यूपी की राजनीति में 90 का दशक बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस दौर में कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसकता गया। राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा का जनाधार बढ़ता गया। उसी दौर में मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति खड़ी कर ली। कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण नेताओं के भरोसे रहती थी, पर उस वक्त इतने नेता और इतने ब्राह्मण नेता हो गए कि कांग्रेस की राजनीति ही भस गई। संयोग की बात है कि बॉलीवुड में भी ये पतन का ही दौर था। राम मंदिर साहबानों और बोफोर्स पर चलती कांग्रेस के अंत की ये शुरुआत भी फिल्मी थी। इस दौर में एक मुख्यमंत्री हुए थे, श्रीपति मिश्रा। गांव की राजनीति से निकलकर लखनऊ तक पहुंचने वाले मिश्रा की स्टोरी कांग्रेस की स्टोरी है। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। श्रीपति मिश्रा का जन्म सुल्तानपुर और जौनपुर के बॉर्डर पर के गांव शेषपुर में हुआ। इनके पिता राम प्रसाद मिश्रा राजवैद्य थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद वो बनारस चले गए। वहीं पढ़ाई के दौरान ही श्रीपति छात्र आंदोलन में आ गए। 1941 में मिश्रा BHU में यूनियन के सचिव चुने गए। फिर मिश्रा ने लखनऊ से वकालत पढ़कर सुल्तानपुर में ही 1949 में वकालत शुरू की, पर राजनीति से जुड़ाव के चलते चुनाव में किस्मत आजमाते रहे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से सुल्तानपुर लोकसभा सीट से लड़े, पर हार गए। इसी बीच वो 1954 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, पर 4 साल के अंदर ही 1958 में सरकारी नौकरी से रिजाइन कर फिर वकालत शुरू कर दी। इरादा राजनीति में आने का था। इसके बाद उन्होंने लोकल राजनीति में ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1962 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से विधायकी जीत गए और विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। इस बीच चौधरी चरण सिंह ने लोहियावाद से प्रभावित होकर अपनी अलग पार्टी बना ली। श्रीपति मिश्रा इनके साथ हो गए। 1969 में श्रीपति चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल से सांसद चुने गए, पर उस वक्त यूपी की राजनीति में चरण सिंह का दखल बढ़ रहा था। चरण के कहने पर श्रीपति मिश्रा ने संसदीय से रिजाइन कर दिया और यूपी विधान परिषद में आ गए। फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक चरण सिंह के मंत्रिमंडल में रहे। फिर अप्रैल 1971 तक त्रिभुवन नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में रहे। सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर बने। 1970 से 1976 तक वो विधान परिषद में रहे। इस दौरान कांग्रेस से उनकी नजदीकियां फिर बढ़ गईं। ये भारत में बड़ी ही उथल पिथल का दौर था। इमरजेंसी ने कई राजनीतिक समीकरण बना बिगाड़ दिए थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, पर श्रीपति मिश्रा उनसे अलग हो चुके थे, पर यूपी की राजनीति में बराबर बने रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई। श्रीपति मिश्रा भी 1962 और 1967 के बाद तीसरी बार फिर विधायकी जीते और विधानसभा अध्यक्ष बने। ये दौर यूपी पॉलिटिक्स में अहम था, क्योंकि दनादन मुख्यमंत्री बदलते जा रहे थे। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह वीपी सिंह ने रिजाइन दे दिया था, तो आनन फानन में श्रीपति मिश्रा को 1982 में मुख्यमंत्री बनाया गया। पर इस दौरान राजीव से उनकी तल्खी बढ़ती गई। जुलाई 1984 में श्रीपति मिश्रा को अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि कार्यकाल भी लगभग पूरा हो चुका था, पर इतना भी इंतजार नहीं किया गया। मिश्रा ने अपने इस्तीफे में वजह दी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 1984 की यूपी यात्रा में राजीव गांधी से जब किसी ने पूछा कि क्या वो श्रीपति मिश्रा के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई किसी से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन लोग संतुष्ट हैं। 1980 के चुनाव में श्रीपति मिश्रा इशौली से विधायक बने थे। अपने मुख्यमंत्री काल में श्रीपति मिश्रा ने इशौली से सड़कें और पुल बनवाए। फिर 1985 से 1989 तक मछली शहर के सांसद रहे। उसके बाद एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया और 2002 में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में इनकी मौत हो गई। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.baatenupki.com पर विजिट कर सकते हैं। नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।